बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया अपना चैप्टर नंबर 1। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग अ टॉप डाउन अप्रोच। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो मेनली फोकस करता है इंट्रोडक्शन पे। हमने देखा इंटरनेट का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने देखा कि इंटरनेट का नट एंड बोल्ट व्यू क्या है और सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंटरनेट को कैसे हम परसीव कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम इंटरनेट को स्ट्रक्चर वाइज डिवाइड करके उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंटरनेट स्ट्रक्चर कैसे डिवेलप हुआ हुआ है। उसके बाद हमने इंटरनेट के अंदर जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसमें मल्टीपल टाइप के डिलेज और पैकेट लॉस होता है, उनके बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेट में जो डाटा कम्युनिकेशन हो रही होती है बेसिकली वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, और वो लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या है हमने उसको डिस्कस किया। हमने आईपी स्टैक को डिस्कस किया जिसकी हमने 5 लेयर्स डिस्कस की। पहला था एप्लीकेशन, जो पहली लेयर थी वो थी फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर थी डेटा लिंक लेयर, तीसरी लेयर थी नेटवर्क लेयर, चौथी लेयर थी ट्रांसपोर्ट लेयर, और पांचवी लेयर थी हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। तो जब हम स्टडी करने लगे हैं इस आईपी स्टैक को तो हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। हम टॉप डाउन अप्रोच इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एज अ यूजर ऑफ इंटरनेट हमारे लिए एप्लीकेशन लेयर को समझना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू फिजिकल लेयर विच मेनली डील्स अबाउट दी टेक्निकलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि फिजिकल जो मीडियम है बिटवीन दी होस्ट वो क्या होगा, वो वायर्ड होगा, वायरलेस होगा, दैट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सो एज अ इंटरनेट यूजर एंड अ ले पर्सन टू द इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज हम एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट कर रहे हैं, अ टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं बेसिकली टू अंडरस्टैंड द इंटरनेट स्टैक। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, लेट्स हैव अ लुक एट द आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में सबसे पहली जो पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द नेटवर्क एप्लीकेशन, के वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हम अपनी नेटवर्क एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, वो कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करेगा, वो कौन सी प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन टेक्निक्स फॉलो करेंगी, ये सारा हम प्रिंसिपल्स ऑफ द नेटवर्क एप्लीकेशन के जो सेक्शन है उसमें पढ़ेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि वेब एंड एचटीटीपी क्या है। उसके बाद हम एफटीपी प्रोटोकॉल को देखेंगे, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल और उसमें हम मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम डीएनएस जो प्रोटोकॉल है या जो डीएनएस सिस्टम है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम पी टू पी एप्लीकेशंस को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सॉकेट प्रोग्रामिंग बेसिकली किस तरह से हम यूडीपी और टीसीपी को यूज करके कर सकते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग। सो मूविंग ऑन, इस चैप्टर का जो मेनली फोकस है वो क्या है कि हम जो एप्लीकेशन लेयर है उसका उसकी कॉन्सेप्चुअल और इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट को देखें कि किस तरह से नेटवर्क एप्लीकेशन जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे मल्टीपल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूटिलाइज होते हैं और किस तरह से वो उन्हें मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस मॉडल्स कौन कौन से हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल कौन सा है और पीयर टू पीयर मॉडल कौन सा है। उसके अलावा हम इस चैप्टर के अंदर अपने एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें एचटीटीपी है, एफटीपी है, एसएमटीपी है, पॉप है, आईएमएप है, डीएनएस है, और एट द एंड हम देखेंगे कि किस तरह से हम नेटवर्क एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। दैट पार्ट मेनली फोकस ऑन दी लैब साइड कि हम जब लैब करेंगे अपनी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की तो उसके अंदर हम एक नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलप करके देखेंगे कि किस तरह से आप डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी नेटवर्क एप्लीकेशन फ्यूचर में डिजाइन कर सके। सो कुछ पॉपुलर नेटवर्क एप्लीकेशन हैं जो कि हम अभी यूज भी कर रहे होते हैं, उनमें सबसे पहले है हमारे पास ईमेल, फिर हमारे पास वेब, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट मैसेजिंग एप्लीकेशन बहुत सारी मौजूद हैं, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सी और भी हमारे पास टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विसेज मौजूद हैं। फिर रिमोट लॉगिन के लिए हमारे पास बहुत सी टेलनेट की एप्लीकेशन मौजूद है, रिमोट लॉगिन के लिए और भी टेक्निक्स मौजूद है। पी टू पी फाइल शेयरिंग की भी हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद है जिनमें टॉरेंट एक बहुत सिग्निफिकेंट एंड बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है पी टू पी फाइल शेयरिंग की। फिर मल्टी यूजर नेटवर्क गेम्स हैं जिनमें हम पबजी का बहुत नाम सुनते हैं, और भी हमारे पास बहुत सी नेटवर्किंग गेम एप्लीकेशन है जिसमें यूजर नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करके आपस में नेटवर्क गेम्स।
उसके अलावा हमारे पास स्ट्रीमिंग एप्स मौजूद हैं हमारे पास, जिनमें यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, और भी बहुत सी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन मौजूद हैं। वॉइस ओवर आईपी के हमारे पास स्काइप है, और भी बहुत सी एप्स मौजूद हैं। व्हाट्सएप भी वॉइस ओवर आईपी पे आ गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास वॉइस ओवर आईपी की एप्लीकेशन मौजूद हैं। रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हमारे पास फैसिलिटी या एप्स मौजूद हैं, सोशल नेटवर्किंग एप्स मौजूद है, और सर्चिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल ब्राउजर्स मौजूद हैं। तो ये कुछ नेटवर्किंग एप्स हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं और हम रेडिली इनको यूज भी करते हैं। सो मूविंग बैक टूवर्ड दी नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलपमेंट पार्ट, हम कह रहे थे कि जब हम एप्लीकेशन लेयर पे की बात करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर का मेनली फोकस क्या है कि डेवलपिंग सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन दैट इंटरेक्ट विद द नेटवर्क, और जो कि आपके डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने के काम आ सके। अब जब हम नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि आपने नेटवर्क एप्लीकेशन को डेवलप कौन सी साइड पे करना है। हमने अपने प्रीवियस जो चैप्टर है उसके अंदर हमने जो नेटवर्क है उसके आर्किटेक्चर को देखा। हमने कहा हमारे पास होस्ट होते हैं, हमारे पास राउटर्स हैं, हमारे पास स्विचेस हैं, हमारे पास सर्वर्स हैं। तो हम कौन से एंड पे अपने जो नेटवर्क एप्लीकेशन है उन्हें डेवलप करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइटिंग अ प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन सी साइड पे हम प्रोग्राम को रन करेंगे। हम अपने प्रोग्राम या नेटवर्क एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं एंड सिस्टम के लिए, ठीक है। हम कभी भी अपने जो नेटवर्क एप्स हैं वो कभी भी नेटवर्क एलिमेंट्स के लिए डिजाइन नहीं करते, नेटवर्क कोर के लिए डिजाइन नहीं करते। दैट मीन्स हम राउटर या स्विचेस के लिए नेटवर्क एप्लीकेशन को डेवलप नहीं करते, बल्कि हम होस्ट के लिए डेवलप करते हैं। होस्ट में हमारे पास PDAs हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, और भी बहुत सी डिवाइसेस मौजूद हैं, ठीक है। सो राइटिंग अ प्रोग्राम दैट रन ऑन डिफरेंट एंड सिस्टम, ठीक है, एंड दे आर यूज टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क एंड वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद द ब्राउजर सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दी गई है कि जैसे वेब ब्राउजर आपका कम्युनिकेट करता है, वो एक नेटवर्क एप्लीकेशन है जो कि आपका विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेट करता है। देन देयर इज नो नीड टू राइट सॉफ्टवेयर फॉर द नेटवर्क कोर डिवाइसेस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपको राउटर्स और स्विचेस के लिए जो नेटवर्क एप्लीकेशन है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम हमेशा होस्ट साइड के लिए जो हमारे एंड सिस्टम है उनके लिए हम एप्लीकेशन नेटवर्क एप्लीकेशन डिवेलप करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है जब हम नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आपको जो एप्लीकेशन डेवलप करनी है वो सिर्फ होस्ट के लिए डेवलप करनी है। यू डोंट नीड टू चेंज द होल इंफ्रास्ट्रक्चर और राइट एप्लीकेशन फॉर द होल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बस एक एंड के लिए एप्लीकेशन डेवलप करनी है, और फिर आपको नेटवर्क कोर के प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए या उन्हीं लाइंस को यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन को उस नेटवर्क के लिए यूजर फ्रेंडली और फिट बनाना है, ठीक है। सो बेसिकली नेटवर्क एप्लीकेशन लिखने का जो हमारा मकसद है वो क्या है कि हम यूजर को फैसिलिटेट करें। सो एप्लीकेशन डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो फिक्स्ड है, और जो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है वो हम अपनी डिपेंडिंग ऑन आर नेटवर्क एप्लीकेशन यूजेज उसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो हम हमेशा जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए डेवलप करते हैं। तो जो भी आपकी कम्युनिकेशन है वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन लेयर होती है, वो दरमियान में जो आपका नेटवर्क कोर है दैट इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। सो हमारे पास जो अभी हमने बात की थी कि जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तो हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर फिक्स है, लेकिन एप्लीकेशन आर्किटेक्चर चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी यूजेज और डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ दी नेटवर्क एप्लीकेशन। तो हमारे पास जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो दो तरह के हैं, एक हमारे पास है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और दूसरा हमारे पास है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। अब हम दोनों को स्टडी करते हैं कि पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर जो एप्लीकेशन मॉडल्स हैं या एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारे नेटवर्क में दो डेडिकेटेड डिवाइसेज हैं। कुछ डिवाइसेज हम कह सकते हैं ऐसी हैं जो कि हमें जो कि रिक्वेस्ट कर रही हैं, और कुछ डिवाइसेज ऐसी हैं जो कि उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उनके जो भी रिलेटेड डेटा है वो जनरेट कर रही हैं।
तो जो रिक्वेस्ट कर रही हैं उनको हम कह रहे हैं वो हमारे क्लाइंट्स हैं, और जो रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपके पास डेटा जनरेट कर रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं वो सर्वर्स हैं, ठीक है। तो सर्वर बेसिकली क्या है, सर्वर एक ऐसी डिवाइस है आपके पास जो कि हमेशा ऑन होती है, ठीक है। सर्वर के लिए ऑलवेज ऑन रहना एक मस्ट क्राइटेरिया है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि सर्वर हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। दूसरा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि परमानेंट आईपी एड्रेस उसके लिए जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आपके सर्वर का आईपी एड्रेस कुछ और कुछ टाइम के लिए एक हो और घंटे बाद वो चेंज हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। आपका जो आईपी एड्रेस है सर्वर का वो फिक्स रहता है, क्योंकि यूजर्स को जो आईपी एड्रेस पता है वो इस एक सर्वर का पता है, दैट शुड बी फिक्स्ड वन। अगर ये चेंज होता रहेगा तो नेक्स्ट टाइम जो रिक्वेस्ट आएगी वो जिस डिवाइस के लिए आ रही है उसका आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है, ठीक है। सो हम आईपी एड्रेस अगर चेंज करते रहेंगे तो रिक्वेस्ट जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगी या रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं पहुंचेगी। इसके लिए जरूरी है कि आपके जो सर्वर का आईपी है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। बाद हमारे पास एक जो सर्वर है वो किसी भी एप्लीकेशन के डाटा को हैंडल करने के लिए इनफ नहीं होता, तो हमें डाटा सेंटर्स बनाने पड़ते हैं फॉर स्केलेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का जितना भी डाटा वर्ल्ड वाइड जनरेट हो रहा है उसके वो डाटा किसी एक सर्वर के लिए हैंडल करना इज क्वाइट अ बिग डील। सो उसके लिए क्या किए जाते हैं, डेटा सेंटर्स बना दिए जाते हैं। तो क्लाइंट क्या है, बेसिकली क्लाइंट वो डिवाइस है जो कि आपके सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, मे बी इंटरमिटेंटली कनेक्टेड, कभी कभी वो कनेक्ट हो सकता है और कभी कभी वो ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन सर्वर के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ऑफलाइन हो। सर्वर अगर ऑफलाइन होगा तो सर्विसेज नहीं मिलेंगी और जो आपके क्लाइंट्स हैं वो सफर करेंगे, ठीक है। सो मोस्टली सर्वर को ऑन रहना जरूरी है, अनलेस के कोई प्रॉब्लम इनकाउंटर हो जाए तो सर्वर डाउन होता है, अदरवाइज सर्वर हमेशा ऑन होता है। और चूंकि क्लाइंट सर्वर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पे करते हैं तो इसलिए सर्वर का अप होना क्लाइंट के लिए भी जरूरी है और सर्वर के लिए भी जरूरी है। मे हैव डायनामिक आईपी एड्रेसेस, अनलाइक सर्वर जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके पास ये चॉइस है कि वो अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी है सर्वर को। अगर सर्वर का आईपी चेंज हो गया तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर क्लाइंट अपना आईपी चेंज कर लेता है दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर द सर्वर। डू नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर, जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है इसके अंदर हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा थ्रू सर्वर हो रही होती है। कोई भी दो क्लाइंट्स अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं ये ए है एंड ए बी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होगी, पहले सर्वर पे आएगी और सर्वर के थ्रू बी पे जाएगी। ये जो रिक्वेस्ट है या जो कम्युनिकेशन है वो बी सर्वर के थ्रू हो रही होगी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर पॉसिबल नहीं है। जब पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, एज द नेम इंडिकेट कि पी टू पी पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है जिसके अंदर सर्वर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि जो पीयर्स होते हैं, जो एंड डिवाइसेस होती हैं, वही sometimes they act as a server, sometimes they act as a client, ठीक है। तो हमारे पास no always on server मौजूद होता है इस architecture के अंदर, कोई भी server हमेशा on नहीं होता, जो client है वो कभी on हो सकते हैं कभी offline भी हो सकते हैं। Arbitrary end systems communicate directly, अब जैसे हमने कहा था कि client server architecture के अंदर कोई भी दो devices directly आपस में communicate नहीं कर सकती, पी टू पी आर्किटेक्चर के अंदर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पी टू पी आर्किटेक्चर के अंदर दो डिवाइसेस डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। पीयर रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अदर पीयर्स, प्रोवाइड सर्विसेज इन रिटर्न टू दी पीयर। अब इसके लिए पी टू पी एप्लीकेशन के लिए हम अगर एग्जाम्पल लें तो हम टॉरेंट की एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें कोई भी सर्वर नहीं होता, बल्कि आपको अगर कोई फाइल रिक्वेस्ट करनी होती है तो आप फाइल का एक बैग ढूंढते हैं जिसके पास सीट ज्यादा हो, ठीक है। तो आप एक लिंक ढूंढते हैं, एक आप टॉरेंट ढूंढते हैं, और उस टॉरेंट को जब आप डाउनलोड के लिए लगाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो जितने भी पीयर्स होते हैं उनको रिक्वेस्ट की जाती है, जिन जिन के पास वो फाइल मौजूद होती है। तो जितने पीयर्स के पास फाइल मौजूद होती है सारों से साइमल्टेनियसली डेटा इकट्ठा या चंक्स ऑफ डेटा डाउनलोड किया जाता है। तो कोई भी सर्वर या एक जो आपका पीयर है वो अगर फाइल डाउनलोड जिससे हम कर रहे हैं वो ऑफलाइन भी हो जाए तो दूसरा पीयर मौजूद है जो कि उसे फाइल डाउनलोड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो
जो आपके पास पी टू पी आर्किटेक्चर है वो सेल्फ स्केलेबल है, ठीक है, न्यू पीयर्स bring new services capacity as well as new service demand. So, जब नया एक peer आता है P2P architecture के अंदर, तो एक नई possibility लाता है कि वहाँ से files download भी हो सकती हैं और वो एक service demand भी लाता है कि जब वो peer architecture के अंदर P2P architecture का part बना है, so he will demand and also provide services. ठीक है? So peers are intimately connected and change IP addresses as we already discussed के ये जो हमारा P2P architecture है इसमें कोई भी जो एक host है वो at a time client या server दोनों के तौर पे act कर सकता है. तो यहाँ पे ये एक host के तौर पे act करता है, तो इसमें आप इसका IP change कर दें तो IP change करने से जो आपका architecture है उससे कोई भी effect नहीं पड़ेगा. लेकिन जब हम P2P आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो फ्यूचर में जब भी हम P2P applications बनाने की बात करते हैं as it is very beneficial, so हमारे पास कुछ problems encounter होते हैं जिनमें से तीन जो major problems हैं वो क्या है. सबसे पहला है कि ISP friendly हमें आर्किटेक्चर बनाना है. जब हम बात करते हैं ISP friendly आर्किटेक्चर की तो हम कहते हैं कि नॉर्मल जो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल है उसके अंदर हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को वेरिएट करते हैं. जो हमारे पास डाउनस्ट्रीम बैंडविड्थ है वो बेसिकली जो हम टर्म यूज करते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बैंडविड्थ के लिए हम कहते हैं ये एसिमेट्रिकल है. ठीक है, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जो जो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम बैंडविड्थ है वो चेंज होती है. डाउनस्ट्रीम बैंडविड्थ हमेशा ज्यादा होती है और अपस्ट्रीम बैंडविड्थ हमेशा कम होती है. लेकिन अगर यही हम काम P2P आर्किटेक्चर के साथ करें तो P2P आर्किटेक्चर में एज मच एज यू नीड डाउनस्ट्रीम बैंडविड्थ उतनी ही आपको अपस्ट्रीम बैंडविड्थ की भी जरूरत है. सो यहाँ पे जो अपस्ट्रीम बैंडविड्थ है वो आपकी जो अफेक्ट जो ट्रैफिक का अफेक्ट है वो ISP पे जो रेजिडेंशियल ISP है उसके ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो P2P आर्किटेक्चर है इट इज नॉट फ्रेंडली फॉर ISPs. सो वी नीड टू मेक इट फ्रेंडली फॉर दी ISPs बिफोर शिफ्टिंग आर एप्लीकेशन टू दी P2P आर्किटेक्चर. दूसरा जो हमारे पास इसका चैलेंज है वो है सिक्योरिटी का. जब हम P2P एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो जो पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस होती हैं वो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो रन हो रही होती है. तो जब मल्टीपल एप्लीकेशन से आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है तो आपके पास सिक्योरिटी का एक चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है. और तीसरा जो हमारे पास चैलेंज है वो ये है कि जब आप P2P आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आपको जितने भी पार्टिसिपेटिंग क्लाइंट्स हैं उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि वो वॉलेंटरीली अपनी बैंडविड्थ जो है वो शेयर करें आपके साथ. ठीक है, तो ये तीन हमारे पास मेजर चैलेंजेस हैं जब भी हम P2P एप्लीकेशन की बात करते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस प्रोसेस कम्युनिकेशन. जब हम प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो प्रोसेस हमारा कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं उन्हें हम प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेस रन हो रहे होते हैं वो आपस में भी डाटा कम्युनिकेट करते हैं और वो जो डाटा कम्युनिकेशन है वो बेसिकली कौन करता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. लेकिन इस वक्त जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं सो वी आर मेनली कंसर्न अबाउट प्रोसेस डाटा कम्युनिकेटिंग इन डिफरेंट होस्ट. ठीक है, क्योंकि हम जब नेटवर्क एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं नेटवर्क एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है जो कि मल्टीपल PCs पे रन हो रही है जो कि मल्टीपल नेटवर्क का पार्ट हो सकते हैं और हमें इन दोनों के दरमियान में एप्लीकेशन को एक्सचेंज करना है. हमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं करनी. ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो कि हमने डिस्कस किया था कि एक ही होस्ट के अंदर जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस रन हो रहे थे तो वो भी आपस में मैसेजेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं. तो हम फिलहाल ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है. फिलहाल हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ रहे, हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं. तो इसलिए हम मेनली हमारा जो फोकस है वो प्रोसेस की कम्युनिकेशन डिफरेंट होस्ट के अंदर कम्युनिकेशन की हम बात करें. ठीक है, सो बेसिकली जो हमारे पास क्लाइंट प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस हैं जो कि उस मशीन पे रन हो रहे होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर रही होती है. ठीक है, और सर्वर प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि वेट कर रहे होते हैं कि उनसे कोई प्रोसेस कॉन्टेक्ट करे और वो उसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करे. ठीक है, P2P एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के जब हम बात कर रहे थे नेटवर्क एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर की,
हमने डिस्कस किया कि हमारे पास पी टू पी आर्किटेक्चर मौजूद है और हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मौजूद है, लेकिन कुछ हमारे पास एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि हाइब्रिड आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं। दैट मीन्स दे इनिशियली यूज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड देन दे यूज पी टू पी आर्किटेक्चर। ठीक है, जैसे कि इनिशियली जो बहुत सी चैट एप्लीकेशन है हमारी, जो इंटरनेट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, वो क्या करती है कि इनिशियली आईपी एड्रेसेस को जो ट्रैक करने के लिए वो क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल को यूज करते हैं, और उसके बाद जो आपकी कम्युनिकेशन है, यूजर टू यूजर मैसेज जो कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, वो आपके डायरेक्ट पी टू पी कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहे होते हैं। ठीक है, aside application with the p2p architecture have clients processes and server processes. ठीक है, तो जो आपकी application जो बेशक आपके client server processes या p2p applications है, दोनों पे हमारे पास client या server processes run हो रहे होते हैं। अच्छा, अब बात आती है हमारे पास sockets की। जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो processes ने आपस में data exchange करना है या messages को exchange करना है, तो वहां पे हमारे पास एक concept आता है socket का। सॉकेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जब हम मैसेज कम्युनिकेशन की बात करते हैं बिटवीन दी होस्ट। सॉकेट हमारे पास बेसिकली एक इंटरफेस है बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, बेसिकली जो हमारा सॉकेट है वो हमें इनेबल करता है कि हम नेटवर्क पे अपना डेटा सेंड कर सकें। ठीक, अब जो हमारा process of sending and receiving messages or to or from network is by socket. ठीक है, socket क्या है, एक ऐसा door है जो कि हमें enable करता है कि हम network के ऊपर traffic को भेजें या network से traffic को receive करें। By traffic I mean messages. ठीक है, so जब हम socket को अगर हम analogy देखें तो socket को हम door से analogous कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक ऐसा door है जो कि एप्लीकेशन से डेटा को लेता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, सिमिलरली जब हम यूजर रिसीवर साइड पे बात करेंगे तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा को कलेक्ट करेगा और एप्लीकेशन लेयर को या एप्लीकेशन लेयर के प्रोसेस को डेटा पहुंचाएगा। ठीक है, तो जो हमारा मेनली फोकस होता है वो हमारा होता है एप्लीकेशन लेयर की सॉकेट, जो एप्लीकेशन लेयर साइड सॉकेट है हम मेनली उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर अगर हम देखें तो ये सॉकेट जो है वो बेसिकली इंटरफेस है, आधा इसका जो इंटरफेस है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर में और कुछ इंटरफेस हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो जो जो आपका एप्लीकेशन लेयर का इंटरफेस है दैट यू कैन प्रोग्राम, लेकिन जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का इंटरफेस है उसको आप ज्यादा नहीं प्रोग्राम कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि वहां पे हम कुछ चॉइसेस हमारे पास मौजूद है, वो हम चूज करके कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हैं वो हमारे पास चॉइस मौजूद है, हमने बफर का साइज कितना रखना है, हमने पैकेट ट्रांसफर का साइज कितना रखना है, ये कुछ चॉइसेस हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर हमारे पास जो चॉइस है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए मौजूद नहीं है, बल्कि हम एप्लीकेशन लेयर को ही प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, हम जब सॉकेट की बात करें तो हमने कहा सॉकेट इज अ डोर। ठीक है, तो वो डोर क्या किस काम के लिए यूटिलाइज हो रहा है कि जो एप्लीकेशन लेयर का डेटा है वहां से वो डोर के थ्रू पास होगा ट्रांसपोर्ट लेयर को और ट्रांसपोर्ट लेयर उसे बाकी लेयर से लेके आते हुए जो आपकी यूजर जो रिसीविंग साइड है वहां पे लेके आएगी और फिर अपनी लेयर पे आके उसे ट्रांसपोर्ट, दैट मींस इसी डोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर की सॉकेट के थ्रू आपके प्रोसेस तक उसे पहुंचाएगी। ठीक है, जब हमने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पढ़ा था या हमने आईपी स्टैक प्रोटोकॉल पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा डिलीवरी। तो यहाँ पे ये किसके थ्रू प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा डिलीवरी करता है, हमारे पास सॉकेट के थ्रू। ठीक है, विच इज एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, सो sending processes show message out of the door, sending process relies on the transport infrastructure on the other side of the door to deliver message to the socket at the receiving process. theek hai, so hamare paas kya hai basically ki ye controlled by the application developer aur baki jo hamare paas hai wo hamara operating system control karta. okay, now let's come towards the addressing process. hum already discuss kar chuke hain ki ip address kya hota hai. जब भी हम बात करते हैं कि हम मैसेजेस रिसीव करते हैं किसी भी होस्ट से, तो हम क्या बेसिकली होस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके आईपी एड्रेस से।
ठीक है, और हमने कहा IP4 हमारा IPv4 जो है वो 32-bit IP एड्रेस है हमारा, जो प्रोसेस है हमारा वो हमारा आइडेंटिफाई होता है थ्रू एन आइडेंटिफायर। अब वो आइडेंटिफायर क्या, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये आइडेंटिफायर क्या आपका सिर्फ आईपी एड्रेस है जो कि आपके प्रोसेस को आइडेंटिफाई करवाता है कि ये किस प्रोसेस के लिए मौजूद है, ठीक है। डज द आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट ऑन विच द प्रोसेस रन इज सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस, की जो आपका आईपी है इज दैट सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग की ये जो डेटा आ रहा है ये किस प्रोसेस के लिए है। तो इसका आंसर क्या है कि नो, सिर्फ आईपी एड्रेस इनफ नहीं है कि डेटा किस प्रोसेस के लिए है, ठीक है, उसके अलावा भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। अब हो सकता है इसका हम ऐसे आंसर ढूंढते हैं कि हमारे पास ये एक प्रोग्राम, ये एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारा आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस हमारे मैसेज को इस डिवाइस तक तो ले आएगा, ठीक है, कि ये डेटा इस डिवाइस के लिए है, लेकिन आगे इस डिवाइस के अंदर ये जो प्रोसेस वन रन हो रहा है और प्रोसेस टू रन हो रहा है वो डेटा एक्चुअली इन दोनों प्रोसेसेस में से किसके लिए है ये हमारे पास डिसाइड करती है सॉकेट, ठीक है। तो सॉकेट बेसिकली क्या है, आईपी और पोर्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो आंसर है इसका कि इज आईपी एड्रेस इज सफिशिएंट, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे पास एट अ टाइम मल्टीपल प्रोसेस होस्ट के अंदर रन हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आइडेंटिफायर बेसिकली क्या है, आईपी और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन, और आईपी और पोर्ट नंबर मिलके बनाते हैं सॉकेट। सो सॉकेट इज बेसिकली जो थर्ड इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एंड पोर्ट नंबर, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ी कि सॉकेट इज एक्चुअली एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर हमने कहा सॉकेट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एंड पोर्ट नंबर, उसके अलावा हमने कहा कि सॉकेट एक ऐसी ऐसा पॉइंट है जो कि इनेबल करता है आपको आपकी कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क पॉसिबल करने के लिए, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, जो हमारे प्रोटोकॉल्स HTTP सर्वर है वो यूज करता है पोर्ट 80, मेल सर्वर जो है वो हमारे पास पोर्ट 25 को यूज करता है। अगर लेट सपोज आपने एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है इस सर्वर पे तो आप क्या यूज करेंगे, ये इसका आईपी एड्रेस है और ये इसका पोर्ट नंबर है, तो ये दोनों चीजें मिलके क्या बनाएंगी, सॉकेट, या फिर हम कहेंगे आइडेंटिफायर, ठीक है, पहचान होगी कि ये जो डाटा है ये किस प्रोसेस के लिए जा रहा है। ओके, जब हम बात करते हैं, हमने कहा जब हम एप्लीकेशन लेयर साइड की बात करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो हमारा यूजर है वो एप्लीकेशन को जब डेवलप करता है तो उसके पास कुछ चॉइस मौजूद है कि वो अपनी जो ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज है उनको चूज कर सके। तो अब वो चॉइस जो यूजर जो डेवलपर है बेसिकली जो चूज करेगा कि उसने कौन से प्रोटोकॉल को यूज करना है अमंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में से कौन से प्रोटोकॉल को यूज करना है वो डिपेंड करता है कि वो प्रोटोकॉल कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मेजरली जो हम फोकस कर रहे होते हैं वो हमारे पास है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है वो हमें डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करे, टाइमिंग भी प्रोवाइड करे, थ्रूपुट प्रोवाइड करे, और दूसरा सिक्योरिटी, चौथा जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जिनके लिए हर एप्लीकेशन जो डेवलपर है वो देख रहा होता है कि कौन से मेजर फीचर्स हैं जो कि उसे चूज करने के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं, वो क्या है, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जो आप जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं वो डेटा उसी तरीके से रिसीव हो, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, रिलायबल डेटा ट्रांसफर, कि जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं वो बगैर किसी लॉस के, हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि पैकेट लॉस हो जाता है, जब बफर फुल हो जाता है तो आपका पैकेट ड्रॉप हो जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट जो एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं वो किस तरह से इसे हैंडल करेंगे ये हमें देखना पड़ता है वाइल चूजिंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, कि वो डेटा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो अगर लॉस टॉलरेंट एप्लीकेशन है तो हम क्या करेंगे, हम डेटा इंटीग्रिटी को इतना फोकस नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमारा जो स्पीड है वो या टाइमिंग अच्छी है या थ्रूपुट अच्छी है या सिक्योरिटी के फीचर्स अच्छे हैं तो हम दूसरा प्रोटोकॉल भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसका मेन फीचर ही रिलायबिलिटी है तो हम डेटा रिलायबिलिटी को या एक ऐसे प्रोटोकॉल को चूज करेंगे जो रिलायबल डेटा को ट्रांसफर कर सके, ठीक है।
कुछ एप्लीकेशन हमारी ऐसी मौजूद हैं जो कि लॉस को टॉलरेट कर सकती हैं, कुछ एप्लीकेशन लॉस को टॉलरेट नहीं कर सकती। जैसे कि अगर आप टेक्स्ट मैसेजेस या टेक्स्ट कोई फाइल भेज रहे होते हैं तो उसके अंदर अगर कोई बिट स्लिप हो जाए तो आपका टेक्स्ट का मतलब ही चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऑडियो भेज रहे हैं जिसके अंदर एक बिट फ्लिप भी हो जाए तो क्या होगा, वो जस्ट अ ग्लिच की फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, वो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती आपकी ऑडियो या वीडियो क्वालिटी को, ठीक है। जो दूसरा फीचर है वो हमारा है थ्रूपुट का। थ्रूपुट बेसिकली क्या है कि आपने जो डेटा, जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं हम, हमें जरूरत होती है कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रूपुट की। लेट्स सपोज मैं एक वीडियो एप्लीकेशन रन कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए एक स्पेसिफिक डाटा रेट चाहिए कि जिस पे वो वीडियो चल सके। अगर उससे मिनिमम होगी तो मेरी वीडियो नहीं चलेगी, ठीक है। सो जो हमारे पास थ्रूपुट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया एप्लीकेशन रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रूपुट टू बी इफेक्टिव। उनको वर्किंग या ऑपरेट करने के लिए ही एक मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रूपुट चाहिए होती है, उसके अलावा वो काम नहीं कर सकती। बाकी जो हमारी एप्लीकेशन हैं वो कुछ एप्लीकेशन हमारी इलास्टिक एप्लीकेशन है, दैट मीन्स वो फ्लक्चुएट करती हैं डिपेंडिंग ऑन दी डेटा के कितना डेटा वो सेंड कर रही हैं, तो उनकी थ्रूपुट फ्लक्चुएट करती है। जो तीसरा फीचर है दैट इज अबाउट द टाइमिंग, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन जैसे कि इंटरनेट टेलीफोनी या इंटरैक्टिव गेम्स हैं, उनमें हमारे पास जो डिले है वो लो डिले इफेक्टिव होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर डिले आए, ठीक है। जैसे कि आप फोन यूज कर रहे हैं या आप इन वॉइस ओवर आईपी यूज कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जो वॉइस है उसके अंदर डिले आए। सिमिलरली जब आप गेम्स प्ले कर रहे होंगे यू डोंट वांट कि आपकी गेम डिले स्लो। तीसरा जो चौथा हमारे पास फीचर है वो है सिक्योरिटी का। इंक्रिप्शन और डेटा इंटीग्रिटी इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर चूजिंग विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वी विल यूज फॉर आवर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि हमें इनेबल करते हैं कि हमने किस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो एक्वायर करनी है। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन एप्लीकेशन है जिनके लिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मौजूद है। अगर हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारे पास जो एप्लीकेशन यहाँ पे मौजूद है, सबसे पहले हम कह रहे हैं फाइल ट्रांसफर। तो फाइल ट्रांसफर ट्रांसफर एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लॉस को टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर हमारा पैकेट लॉस हो गया तो हमें रीसेंड करना पड़ेगा पैकेट, लेकिन ये जो हमारी सर्विस है इसके अंदर दैट मीन्स जो फाइल ट्रांसफर है इसके लिए हमें रिलायबिलिटी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो थ्रूपुट है वो इलास्टिक है। अब जब हम थ्रूपुट की बात करते हैं तो थ्रूपुट दो तरह की हो सकती है। या तो हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो इलास्टिक एप्लीकेशंस होती हैं, दैट मींस कि उन्हें कोई रिजिड बैंडविड्थ जरूरत नहीं होती कि इतनी बैंडविड्थ मिनिमम चाहिए होगी, उनकी बैंडविड्थ फ्लक्चुएट करती है। और कुछ एप्लीकेशन हमारी ऐसी होती हैं जो कि बैंडविड्थ सेंसिटिव एप्लीकेशंस होती हैं, दैट मींस इन्हें मिनिमम इतनी बैंडविड्थ तो चाहिए ही चाहिए ताकि वो फंक्शनल हो, ठीक है। अगर इतनी बैंडविड्थ नहीं होगी तो वो फंक्शनल ही नहीं होगी। सो हमारे पास जो फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन है वो इलास्टिक है, दैट मींस उसे कोई हार्ड एंड फास्ट बैंडविड्थ नहीं चाहिए टू बी ऑपरेशनल। और टाइम सेंसिटिव, तो ये टाइम सेंसिटिव नहीं है। ईमेल हमारे पास डेटा लॉस इसमें टॉलरेट नहीं किया जाता, दैट मींस रिलायबल डेटा ट्रांसफर जरूरी है, इलास्टिक है और टाइम सेंसिटिविटी नो है। वेब डॉक्यूमेंट्स की भी बात अगर की जाए तो वो लॉस डाटा रिलायबिलिटी एक मेन फीचर है उनका। थ्रूपुट के लिए वो इलास्टिक है एंड टाइम सेंसिटिविटी भी उनमें नहीं है। जब हम रियल टाइम ऑडियो वीडियो की बात करते हैं तो ये लॉस टॉलरेंट है, दैट मीन्स अगर इनमें एक आध आपका जो पैकेट है वो लॉस हो भी जाए तो क्या होगा कि वो एज अ स्क्रीन पे वो एक ग्लिच के तौर पर नजर आएगा आपको, उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपका पूरा डेटा जो है वो करप्ट नहीं होता। लेकिन ये आपके पास बैंडविड्थ सेंसिटिव एप्लीकेशंस में आती है कि इन्हें कुछ मिनिमम बैंडविड्थ चाहिए जिसके लिए जिस पे वो ऑपरेशनल हो सके, ठीक है। और टाइम सेंसिटिव भी हैं ये। इसी तरह से बाकी एप्लीकेशंस भी हमारे पास मौजूद हैं। जब हम इंटरनेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, हमने इतना डिस्कस किया कि हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोटोकॉल्स हैं वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और डिपेंडिंग ऑन आवर नेटवर्क एप्लीकेशन हम चूज करते हैं कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे। तो इंटरनेट बेसिकली जो हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स हैं वो दो हैं, एक हमारे पास है टीसीपी सर्विस और दूसरी हमारे पास है यूडीपी सर्विस। अब डिपेंडिंग ऑन आवर यूजेज कि हमारी नेटवर्क एप्लीकेशन
क्या चाहती है, इनमें से हम फीचर्स देखते हैं और फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमारा जो नेटवर्क एप्लीकेशन है वो कौन से प्रोटोकॉल के लिए को चूज करेगी। ठीक है, अगर उसके लिए टीसीपी सूटेबल होगा तो वो टीसीपी को चूज करेगी, अगर उसके लिए यूडीपी सूटेबल होगा तो वो यूडीपी को चूज करेगी। अब टीसीपी के फीचर्स क्या है कि ये रिलायबल ट्रांसपोर्ट है, इसमें जो आप कम्युनिकेशन करेंगे बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर वो रिलायबल होगी, दैट मीन जो आप सेंड कर रहे हैं और जो आप रिसीव कर रहे हैं वो डाटा एक्यूरेट होगा। ठीक है, उसमें पैकेट लॉस या पैकेट फ्लिप या जो डाटा फ्लिप है वो नहीं होगा। फ्लो कंट्रोल की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, सेंडर वोंट ओवरवेलम द रिसीवर, कि जो आपका फ्लो कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल बेसिकली क्या है कि उस रेट पे डाटा सेंड किया जाए जिस पे आपका जो रिसीवर है वो प्रोसेस भी कर सके। ठीक है, तो जब आप टीसीपी को यूज करेंगे तो टीसीपी ये सर्विस आपको प्रोवाइड करता है कि सेंडर इस रेट पे डाटा सेंड करे कि रिसीवर उसे डाइजेस्ट भी कर सके। फिर ये कंजेशन कंट्रोल की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, थ्रॉटल सेंडर व्हेन नेटवर्क ओवरलोडेड। अब कंजेशन कंट्रोल क्या है कि जब ऑलरेडी एक रश मौजूद है तो थ्रॉटल बैक का मतलब क्या होता है कि आपका जो सेंडर है उसको एक मैसेज भेजा जाता है कि ऑलरेडी बहुत कंजेशन है, तो तुम जो अपनी सेंडिंग है उस जो सेंडिंग मैसेजेस है उनको कम कर दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सेंडर रिसीवर है वो एक मैसेज सेंड करता है अपने सेंडर को कि बस बहुत डेटा मेरे पास मौजूद है और डेटा सेंड नहीं करो, मैं ओवरलोड हूँ ऑलरेडी। डज नॉट प्रोवाइड टाइमिंग मिनिमम थ्रूपुट, टीसीपी की ये जो फैसिलिटीज है वो टीसीपी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि इसे सेटअप के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, पहले सेटअप होगा क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में और फिर कम्युनिकेशन होगी। एज वी ऑलरेडी सेड कि ये एक रिलायबल डेटा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, जब रिलायबिलिटी की बात की जाएगी तो पहले कनेक्शन बिल्ड होगा और उसके बाद डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। जब हम यूडीपी की बात करते हैं तो यूडीपी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यूडीपी टीसीपी स्लो प्रोटोकॉल है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है उसके बाद डेटा को सेंड करता है। यूडीपी एक फास्ट प्रोटोकॉल है लेकिन ये रिलायबल नहीं है, ये एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है क्योंकि इसमें कोई कनेक्शन ओरिएंटेशन नहीं होती, ये डायरेक्ट डेटा को सेंड करता है। इसीलिए ये फास्ट भी है लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज एन अनरिलायबल डेटा ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, और इट डज नॉट प्रोवाइड रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, टाइमिंग, थ्रूपुट, गारंटी, सिक्योरिटी और कनेक्शन ओरिएंटेशन सेटअप, ये ऐसी कोई सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करता। बस इसका एक ही फायदा है कि ये फास्ट है। सो जितनी भी हमारे पास ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाई इफ यूडीपी डज नॉट प्रोवाइड एनी ऑफ दीज सर्विसेज देन व्हाई बॉदर, व्हाई देयर इज अ यूडीपी सर्विस अवेलेबल, जब ये कोई सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करता इन डिस्पाइट ऑफ ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी टीसीपी, ये और कोई सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं करता, बस एक ही है कि ये फास्ट है और इसका डेटा ट्रांसफर भी अनरिलायबल, तो हम क्यों बॉदर करते हैं यूडीपी को यूज करना। तो इसका जो जवाब है वो यही है कि यूडीपी एक फास्ट प्रोटोकॉल है जिसका डेटा ट्रांसफर फास्ट होता है। तो जब हम ऑडियो एप्लीकेशन की बात करते हैं, वीडियो एप्लीकेशन की बात करते हैं, वहां हमारा डेटा रिलायबिलिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्पीड इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। तो ऐसी जो हमारे पास रियल टाइम एप्लीकेशन होती हैं उनके लिए हमारे पास यूडीपी यूजफुल है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं उनके लिए कौन सा अंडरलाइंग प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। तो ईमेल के लिए हम टीसीपी यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास रिलायबल डेटा ट्रांसफर की, रिमोट एक्सेस कंट्रोल के लिए भी टीसीपी है, वेब के लिए भी टीसीपी है, फाइल ट्रांसफर के लिए भी टीसीपी है, लेकिन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को स्ट्रीम करने के लिए हम टीसीपी या यूडीपी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वेदर आपको यूट्यूब यूज करना है, नेटफ्लिक्स यूज करना है, कोई भी आपको एप्लीकेशन यूज करनी है तो आप यूडीपी और टीसीपी दोनों में से भी यूज कर सकते हैं। और इंटरनेट टेलीफोनी के लिए, स्काइप वगैरह के लिए आपको टीसीपी और यूडीपी दोनों में से कुछ भी यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। यूडीपी मोस्टली यूज किया जाता है क्योंकि ये फास्ट होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अपने अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वेब एंड एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट।